गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट पैंक्रियाज। आज जो है अपन पैंक्रियाज की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी जो है अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर लीवर की बात कर ली है, इसके अलावा अपन ने सलाइवरी ग्लैंड की बात कर ली है, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज रिमेनिंग, दैट इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में देखने वाला है, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शंस कैसे होते हैं एटसेट्रा, ये सारी बात करने वाले हैं अपन इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। पैंक्रियाज जो है एक इरेगुलर शेप्ड जो है ग्लैंड होती है, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये इरेगुलर होती है, इरेगुलर शेप्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। This is irregular in shape and second largest digestive gland. इससे पहले जो है अपन ने liver और salivary gland की बात कर ली है। Pancreas जो है it is found between the arms of duodenum. ये जो है basically अपन को जो duodenum होता है उसकी दोनों arms के बीच में देखने को मिलता है, दोनों arms के बीच में पाया जाता है ये, और ये एक मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। पैंक्रियाज वर्क्स लाइक मिक्स ग्लैंड, समटाइम इट बिहेव्स लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऐसी ग्लैंड्स दो हैव डक्ट, ऐसी ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं उनको अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और ऐसी ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं उनको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमेशा एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो जो एक्सोक्राइन का पार्ट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एक्रिनल सेल्स। पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है वो एक्रिनल सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और इन एक्रिनल सेल्स का फंक्शन होता है टू सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस। इट्स मेन फंक्शन इज टू सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंजाइम्स, इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम्स को कलेक्टिवली अपन ने क्या बोला है, पैंक्रियाटिक जूस। ऑलराइट, इसके बाद में अपन बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज का, विच इज एबल टू सिक्रेट द हार्मोन्स, इसका मेन फंक्शन होता है हार्मोन्स को सिक्रेट करना, मल्टीपल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जिन सेल से जो है एंडोक्राइन पोर्शन बना हुआ होता है उन सेल्स को अपन बोलते हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं उनको, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। स्लेट ऑफ लैंगरहैंस जो है एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं। अभी स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये तीन टाइप की सेल्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, थ्री। नंबर वन इज अल्फा सेल्स, नंबर सेकंड इज बीटा सेल्स, नंबर थर्ड इज डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती हैं इनका फंक्शन होता है टू सिक्रेट द ग्लूकागोन हार्मोन। इट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा सेल्स टू सिक्रेट द ग्लूकागोन हार्मोन। इसके अलावा द फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स इज टू सिक्रेट द इंसुलिन हार्मोन। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स। इसके अलावा जो डेल्टा सेल्स होती हैं दे सिक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स लाइक गैस्ट्रीन, लाइक सीरोटोनिन, लाइक सोमैटोस्टैनिन। दिस इज द फंक्शन ऑफ डेल्टा सेल्स। इस तरीके से जो है अपन ने पैंक्रियाज की बात कर ली है। पैंक्रियाज इरेगुलर शेप्ड होता है, इसके अलावा ये ड्यूडेनम की दोनों आर्म्स के बीच में पाया जाता है, और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ये मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है, समटाइम बिहेव लाइक एक्सो समटाइम एंडो। एक्सो जो है वो एक्रिनल सेल्स से मिलकर कंसिस्ट होता है, विच सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। एंडो जो है विच इज कंसिस्ट ऑफ स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, विच इज कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर वन इज अल्फा सेल्स, सेकेंड इज बीटा सेल्स, एंड थर्ड इज डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, इसके अलावा डेल्टा सेल्स जो है गैस्ट्रीन, सेरोटोनिन और सोमैटोस्टैनिन सिक्रेट करते हैं। इस तरीके से जो है अपन ने तीनों ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली है, फंक्शंस और स्ट्रक्चर दोनों, जिसके अंदर सलाइवरी इज डन एंड लिवर इज डन एंड
pancreas is also done. If now we'll talk about the process of digestion or the process of nutrition, in which we will talk about five steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. इनके बारे में बात करने वाले हैं. Then we will talk about disorder related to nutrition and then chapter will be over. तो आज जो है अपन ने digestive gland के अंदर pancreas की बात कर ली है, अब steps of nutrition बच रहे हैं. उसके बाद में आपका chapter क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. Okay, thanks, have a nice day.